नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की तीन बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार कांग्रेस में भूचाल है, प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा कर दिया है, हालांकि मदन मोहन झा ने इस्तीफे की बात को अस्वीकार किया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि बाबा साहब की जयंती पर जेडीयू ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, तो वहीं चिराग पासवान ने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर है कि केंद्रीय विद्यालय में कोटा की समाप्ति हो गई है। इसके पहले इस मुद्दे पर बीजेपी के दो सांसद आपस में ही उलझ गए थे, एक कोटा प्रथा समाप्त करने की मांग कर रहे थे तो दूसरे सांसद कोटा प्रथा बहाल रखने की वकालत कर रहे थे। लेकिन खबर की शुरुआत बिहार कांग्रेस से करेंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा के इस्तीफे की खबर है। उन्होंने इस्तीफा की पेशकश केंद्रीय नेतृत्व से कर दी है। बताया जाता है कि इसके पहले भी उन्होंने एक दफे इस्तीफे की घोषणा की थी, इस्तीफा दे भी दिया था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उसे अस्वीकार कर दिया था। मदन मोहन झा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर, उनकी सहमति पर अभी भी वे बने हुए हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक बार इस्तीफा किया था। आज फिर से यह खबर तेजी से फैली कि मदन मोहन झा ने इस्तीफा कर दिया है। वे पिछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। कल मदन मोहन झा ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास से मुलाकात की थी। उनसे जब मुलाकात हुई उसके बाद ही यह खबर बड़ी तेजी से फैली कि मदन मोहन झा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। आज बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने बिहार के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम, विधान परिषद चुनाव 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद उपचुनाव, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के बाद मदन मोहन झा ने कहा कि राहुल गांधी से काफ़ी सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। उनसे विधान परिषद चुनाव, मेंबरशिप, पद यात्रा के बारे में चर्चा की गई। उनसे पूछा गया कि क्या बिहार के काम से, बिहार नेतृत्व के काम से राहुल गांधी खुश दिखे। इस पर मदन मोहन झा ने कहा कि वे असंतुष्ट भी नहीं दिखे, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं या फिर बिहार कांग्रेस के नेता जो काम कर रहे हैं उससे नेतृत्व खुश था, राहुल गांधी खुश दिखे। मदन मोहन झा ने कहा कि 2015 में विधान परिषद के चुनाव में जब हम RJD के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, RJD, JDU और कांग्रेस साथ मिलकर के लड़ रही थी, तब हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिला था, वो भी दूसरे दल में चले गए। इस तरीके से हम जीरो पर थे। और आज 2022 में जब विधान परिषद के चुनाव हुए तो हम अपने दम पर चुनाव लड़े, हमने अपना कैंडिडेट दिया और एक सीट तो हम जीत गए और एक हमारे समर्थित कैंडिडेट जीते। यानी कि 2015 में जब हम गठबंधन में थे और 2022 में जब हमने अकेले चुनाव लड़ा तो दोनों में फर्क साफ साफ दिखा। मदन मोहन झा ने कहा कि इन वक्त पर हमें तो आशा थी, हमने लालू प्रसाद यादव की बात पर हम रह गए, हमने उस तरीके की तैयारी नहीं की। लालू प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस को 24 में से 5-6 सीटें दी जा सकती हैं, हम तो लालू प्रसाद यादव की बातों पर रह गए। इन वक्त पर जब राजद ने हमें सीटें नहीं दी, गठबंधन नहीं हुआ, तो हमने अकेले लड़ने का निर्णय लिया और वो निर्णय कहीं ना कहीं अच्छा रहा। दो सीट तो हम जीत गए, बाकी का जो 3 सीट है उस सीट पर हम कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में रहे, हमारे कैंडिडेट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। तो इस लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय आला कमान बिहार के कामों से, खास करके विधान परिषद चुनाव को लेकर के जो सफलता मिली उस सफलता से खुश दिखा। जहां तक मेंबरशिप चलाने की बात है तो उस पर भी समीक्षा की गई, हमने राहुल गांधी को पूरी बात बताई। पदयात्रा, बिहार कांग्रेस की तरफ से जो पदयात्रा कार्यक्रम किया जाना है उसके बारे में हमने उनसे विस्तृत चर्चा की। तो बिहार संगठन को लेकर के हमने चर्चा की, सदस्यता अभियान के बारे में चर्चा की और वे यहाँ के काम से पूरी तरीके से खुश दिखे। उनसे पूछा गया कि क्या आप इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि यह बड़ी तेजी से चर्चा फैली है कि आपने इस्तीफा की पेशकश कर दी है। मदन मोहन झा ने कहा कि अगर हम इस्तीफा देते तो निश्चित तौर पर जानकारी हो जाती, लेकिन हमने इस्तीफा नहीं दिया है। हमने कल बिहार के प्रभारी से बात की थी, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, वो कोई गोपनीय चर्चा नहीं थी बल्कि वहाँ पर कई अन्य लोग मौजूद थे, उन तमाम लोगों की मौजूदगी में हमने चर्चा की। इस्तीफे की बात इस तरीके की कोई नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया
कि हम एक बार पहले इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर हम फिर से इस्तीफा को हमने इस्तीफा देने से अपने आप को रोका। तो अगर इस्तीफे की बात होती है तो निश्चित तौर पर समूह को जानकारी हो जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस्तीफा लेना या हमें पद पर बनाए रखना केंद्रीय नेतृत्व का काम है, आला कमान का काम है। अगर आला कमान चाहे तो हमें आज भी पद से हटा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज है कि मदन मोहन झा ने इस्तीफा दे दिया है। कई नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें अखिलेश सिंह से लेकर के अमृता भूषण, राजेश राम समेत कई अन्य नेताओं के नाम की चर्चा है कि ये बिहार कांग्रेस का कमान संभाल सकते हैं, इन नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि मदन मोहन झा की बातों से लगा कि निश्चित तौर पर बिहार कांग्रेस में बदलाव होने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, आला कमान बिहार नेतृत्व पर बड़ा फैसला लेने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि यह फैसला कब होता है और फिर बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है, इसको इस पर अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। दूसरी जो बड़ी खबर है कि बाबा साहब की जयंती पर बिहार में आज खूब राजनीति हुई। सभी दलों ने, बीजेपी, कांग्रेस, राजद, रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, पशुपति कुमार पारस का गुट जेडीयू, इन तमाम लोगों ने बाबा साहब भीमराव की जयंती मनाई। बड़ी बड़ी बातें की गई। जेडीयू की तरफ से एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा दी गई। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह बात दोहराई। वहीं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने न्यायपालिका सिस्टम में जजों की जो बहाली है, जजों की जो नियुक्ति होती है, उसमें बदलाव की मांग कर दी और कहा कि जब तक इस सिस्टम को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक वास्तविक रूप से बाबा साहब की जयंती मनाने से कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि उन्होंने केंद्र सरकार से साफ कर दिया कि अगर बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलते हैं तो सबसे पहले न्यायपालिका में जो सिस्टम, वर्तमान सिस्टम है, वो सिस्टम आपको बदलना होगा, तभी हम उनके बताए रास्ते पर हम अपने आप को चलने का दावा कर सकते हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से मांग कर दी कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जब से जिम्मा संभाले हैं, यानी कि 2005 से लेकर के अभी तक बिहार में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और बिहार अपनी बदौलत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है वो तो सभी राज्यों को मिलती है, उसमें बिहार का कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर बिहार का विकास करना है तो निश्चित तौर पर स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना होगा, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है, बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है। और इसका एक ही समाधान है कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे। अगर उद्योग धंधे लगते हैं तो फिर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं वे नौजवान बेरोजगार रुकेंगे और उन्हें घर में ही काम मिलेगा। वहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो जो योजनाओं में बिहार और केंद्र का जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी केंद्र का 90% हो जाएगा, बिहार का 10% हो जाएगा। तो इस तरीके से फायदे हैं ललन सिंह ने गिनाए। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में अगर हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है तो 60-40 की हिस्सेदारी है, अगर हमें वो मदद मिलती है तो हिस्सेदारी 90-10 का हो जाएगा। तो इस तरीके से ललन सिंह ने गिनाया कि हमें विशेष राज्य के दर्जे की अति आवश्यकता है। हमने सभी फोरम पर इस मांग को उठाया है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह मांग उठाया है और पूरे सदन से यानी कि विधानमंडल से यह पारित किया गया है और केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन हमें वो अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि हम उस अधिकार के भागी हैं। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो हम भी अग्रणी कतार में शामिल हो जाएंगे, अग्रणी राज्यों में हम शामिल हो जाएंगे। वैसे बिहार लगातार विकास कर रहा है, जो विकास का दर है वो लगातार दोहरे अंक में है, यानी कि 10 से ऊपर 10 है या फिर 10 से ऊपर है, इस तरीके की बात ललन सिंह ने कही है। वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के बहाने चिराग पासवान ने भी
केंद्र से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान जो हमारे पिताजी हैं वे सच्चे बाबा साहब के अनुयायी हैं, वे उसी रास्ते पर चलते थे, इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो चिराग पासवान ने अपने पिता के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। वहीं जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। वहीं बीजेपी और आरजेडी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन इन लोगों ने कोई बड़ी मांग नहीं की, बल्कि चिराग पासवान और जेडीयू की तरफ से केंद्र से बड़ी अपील की गई है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि केंद्रीय विद्यालय में कोटा पर बीजेपी के दो सांसद भिड़ गए थे। जो बजट सत्र था उस बजट सत्र में यानी कि राज्यसभा में बिहार बीजेपी से जुड़े दो सांसदों ने मांग उठाई थी कि जो केंद्रीय विद्यालय में सांसद या फिर डीएम का जो कोटा होता है, एक ने जो विवेक ठाकुर हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा था कि बिहार में क्योंकि सांसद और विधायक जो सांसद फंड होता है, जो सांसद कोटे से जो केंद्रीय विद्यालय में नियुक्ति होती है वो नियुक्ति जारी रहनी चाहिए, वो नामांकन जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जो सांसद कोटा होता है उसमें गरीब बच्चे सांसद की सिफारिश पर उनका नामांकन होता है, वे अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, इससे काफ़ी लोगों को भला होता है। जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं नामांकन करा सकते हैं, वो इस कोटे से अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। लंबे समय से यह चल रहा है, तो ऐसे में इस कोटे को बंद नहीं किया जाना चाहिए। वहीं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कई दफ़े यह मांग उठाया, उन्होंने बाजपा मंत्री से मुलाकात भी की, राज्यसभा में यह मामला उठाया और कहा कि इस कोटे को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में सांसद और डीएम के कोटे से काफ़ी सीटें भर जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनका नामांकन नहीं होता है। अगर यह प्रथा बंद हो जाए, यह कोटा अगर बंद हो जाता है, तो निश्चित तौर पर नामांकन टेस्ट के माध्यम से उन लोगों का नामांकन होगा और बड़ी संख्या में छात्र लाभान्वित होंगे। अब जा करके यह तय किया गया, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सांसद या फिर जो कोटा प्रथा है उस कोटा प्रथा से अब केंद्रीय विद्यालय में नामांकन नहीं लिया जाएगा। इस आदेश के बाद आज एक बार फिर से सुशील मोदी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा है कि हमने जो मांग किया उस मांग को केंद्र की सरकार ने मान ली है और बाजाब्ता आदेश जारी हो गया है। सुशील मोदी ने कोटा प्रथा स्थगित करने का स्वागत किया है और कहा है कि इन सीटों पर भी एससी एसटी ओबीसी कोटे के हर साल 15,000 लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। वे सांसद कलेक्टर कोटे से दाखिला बंद करने की मांग करते रहे थे, सदन में भी यह मामला उठाया था। अब तक हर सांसद 10 और विद्यालय प्रबंधक अध्यक्ष के नाते हर कलेक्टर अपने जिले से प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में न्यूनतम 17 छात्रों का नामांकन करा सकता था। सांसद कोटे से 7500 और कलेक्टर कोटे से 22,000 छात्रों का नामांकन होता रहा है। मोदी ने कहा कि ऐसे नामांकन में न आरक्षण के नियमों का पालन होता है, न योग्यता को आधार बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि दाखिला को कोटा मुक्त करने से आरक्षण और योग्यता के आधार पर नामांकन के लिए एक झटके में 30,000 सीटें बढ़ गई हैं। यानी कि सुशील मोदी ने कहा है कि पहले जो सांसद कोटा से या फिर डीएम के कोटा से जो नामांकन होता था उसमें न योग्यता का ख्याल रखा जाता था और न आरक्षण का। इस तरीके से अगर कोटा केंद्र की सरकार ने बंद कर दिया तो आरक्षित वर्ग के छात्रों का भला होगा और एक साथ पूरे देश भर में 30,000 सीटें बढ़ गई हैं। अब केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन इन सीटों पर नामांकन लेगा। तो इस तरीके से सुशील मोदी ने जहां खुशी का इजहार किया है, वहीं विवेक ठाकुर जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे उन्होंने मांग किया था कि यह कोटा बहाल रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें गरीब पढ़ने वाले छात्रों का भला होता है, सांसद की सिफारिश पर उन लोगों का अच्छे स्कूलों में नामांकन होता है और वे फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कोटा प्रथा को लेकर के दो सांसद आपस में भिड़े थे, अब उसका रिजल्ट भी आ गया है, सुशील मोदी इस मामले में जीत गए हैं। कहीं ना कहीं इनकी मांग पर सरकार ने विचार किया और अब जा करके आदेश भी जारी हो गया है। तो ये तीन बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।